अभी हम आए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं। और ये जो जर्नी है ये हमारा चालू हुआ था दिल्ली से, सो स्टार्टिंग से चालू करते हैं। पार्ट वन में हमने दिल्ली से लेके घांगारिया तक का सफ़र देखा और अभी हम घांगारिया से ट्रैक चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock। मैं 5 o'clock को उठा था, गुरुद्वारा में रुका था रात को घांगारिया में। सो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वैली ऑफ फ्लावर्स और उसके बाद में हेमकुंड के लिए प्लान करेंगे। सो देखते हैं क्या क्या होता है। सो लेट्स गो। यहाँ पे ना सांस बहुत जल्दी फूलती है, इसलिए आपको धीरे 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 चलना है। अभी तक गए नहीं आप? सो यहाँ पे जो है हमें टिकट निकालना पड़ता है, और इसका टाइमिंग जो है 12 बजे तक ही आपको टिकट मिलेगा। जब मैं निकला तब मुझे और दो लोग मिले यहाँ पे, सिमरन और विकास। सो हम तीनों आज ट्रैक के लिए रैंडम यहाँ पे साथ में मिले और हमने पूरा ट्रैक साथ में किया। आज लोग जो है बहुत कम है यहाँ पे, अभी आधा घंटा हुआ है हमें नीचे से निकले हुए। बहुत थक गया हूँ, बट ये इतना सुंदर जगह है ना, सब थकावट निकल रही है ऐसे। ये पानी बहुत ठंडा होता है, सो मेक श्योर कि आपके शूज गीले ना हो इसमें। काफ़ी मस्त लग रहा है। इनिशियल में बहुत थकावट हुई, अभी रास्ता सीधा सीधा है और व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है आगे। जगह पे ऐसे बीच बीच में जो है ये ग्लेशियर का पानी जो है इसका क्रॉसिंग आपको मिलता है। बॉटल साथ में रखना सो दैट तुम यही ग्लेशियर का पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। और हाँ, वन मोर टिप कि खाने के लिए कुछ ना कुछ साथ में रखना। मैं तो इतना खुश था कि मैं सब कुछ भूल गया था, मुझे खाने पीने का कोई याद नहीं था, बिस्किट वगैरह, और किसी के पास भी बिस्किट वगैरह नहीं था, तो इसलिए एटलीस्ट कुछ चॉकलेट्स वगैरह साथ में रखना क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है। ऐसे वाटर क्रॉसिंग बहुत जगह पे मिलेगी और मैं एकदम सही टाइम पे आया था, इसलिए पानी भी बहुत ज़्यादा था। सरप्राइजिंगली हम जिस दिन ट्रैक कर रहे थे उस दिन इतना बारिश नहीं हो रहा था, मतलब बारिश होके गया था, सो इसीलिए वेदर बहुत ही सही था। आज से करीब एक सदी पहले इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर की जानकारी बाहरी दुनिया को कम थी। इसकी खोज का किस्सा दिलचस्प है। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक ए स्मिथ, एरिक शिप्टन और आरियल होल्ड्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से लौटने के दौरान अपना रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने के बाद में वो एक जगह पे आ गए जो फूलों से भरा हुआ था, और उस वक्त उन्होंने ये वैली ऑफ फ्लावर की खोज की, और इन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और 8 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स की ऊंचाई समुद्र तल से 3,000 से 3,500 मीटर तक है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है। खास बात यह है कि फूलों की घाटी हर 2 सप्ताह में अपना रंग बदलती है, कल लाल तो कभी पीले। फूलों की खिलने से घाटी में प्राकृतिक रंग बदल कर पर्यटकों को आकर्षित करती है। सच में क्या सुकून लग रहा था यहाँ पे। बहुत सारे फ्लावर्स के नाम अलग अलग नाम है यहाँ पे, तो कुछ नाम मैंने डाले यहाँ पे। ये फ्लावर्स वगैरह ये देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से आप एक्सप्लोर करोगे ना देन यू विल एन्जॉय अलॉट, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स है यहाँ पे।
इस घाटी में लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे सुंदर पुष्प पाए जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स में पाए जाने वाले 45 औषधीय पौधों का उपयोग स्थानीय ग्रामीणों और द्वारा किया जाता है। और हाँ, ये झरने का पानी वगैरह, इसका आवाज़, भाई साहब क्या लग रहा था यहाँ पे, सच में इट वॉज लाइक जन्नत। ये जो है तो ये नदी का लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मैंने रॉक बैलेंसिंग वगैरह किया, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। पानी का बहुत आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से आई डोंट नो कि मतलब वीडियो में ये आवाज़ कितना अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। फूलों की घाटी जो है वो पीछे ही है, बहुत पीछे से चालू होती है, और ये जगह जो है 3-4 किलोमीटर बोलते हैं, बट अगर आप जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ तक आओगे तो ये लास्ट पॉइंट है, और यहाँ तक मोर देन 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस मेरे ख्याल से होगा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे इस वेरी ब्यूटीफुल। बेस्ट टाइम यहाँ पे आने के लिए है जुलाई टू अगस्त, सितंबर में भी आ सकते हो, अभी अगस्त का एंड चल रहा है। और ये तो सिर्फ कैमरा में जो कैप्चर किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोचो आपके आँखों से जब आप देखोगे वो माहौल में वहाँ पे आप जाओगे तो कैसे फील होगा। सो यहाँ से निकलते समय बहुत अलग लग रहा था, इट वॉज अमेजिंग। तो ये था हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का छोटा सा ट्रेक, बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हेमकुंड साहिबा का, ये जो है तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा है, बहुत ही सुंदर जगह है ये भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।